जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने वो आपका चैनल चेक किया, आपको मैंने सारा सर्च भी किया है। माशाल्लाह आप तो एक मशहूर हस्ती हैं जी। एक्चुअली वो चैनल चेक करने का मसला ये था कि वो आजकल ना आपको पता है कि हर बंदा जो है ना इंटरव्यू के लिए कहता है। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। अपने 20 साल से भी ज्यादा लंबे करियर में मेरी सिर्फ एक फिलॉसफी रही है कि जिनके पास तर्क नहीं होते वो निजी हमले करते हैं। इसी कारण मैंने आज तक इस तरह से वीडियो के माध्यम से जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार ये जरूरी था। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी विश्वसनीयता का सर्टिफिकेट किसी झूठे पाकिस्तानी से चाहिए या फिर मैं किसी ट्रोल आदमी से डर जाऊंगी। अदिति त्यागी नहीं डरती भाई लोगों, और अगर थोड़ी भी गैरत है तो आज उनके बेइज्जत होने का दिन है, क्योंकि बिना दूसरी साइड को सुने फैसला सुनाना मूर्खता की श्रेणी में आता है। सबसे पहले उस पाकिस्तानी यूट्यूबर को ये ओपन चैलेंज है जिसने मुझे बदनाम करने वाले वीडियो को चलाया। अब मेरे इस वीडियो को भी वो चलाकर दिखाए। इस यूट्यूबर ने जिस इंसान को पाकिस्तान का आम आदमी बताकर हीरो बनाने की कोशिश की है वो कितना झूठा और फरेबी है, ये आप उसी के मैसेजेस और उसकी आवाज से जानेंगे, क्योंकि मैं आपको उसकी आवाज भी सुनवाऊंगी और उसके मैसेजेस भी दिखाऊंगी। आबिद अली नाम का एक पाकिस्तानी मोदी जी का फैन होने का आडंबर रचता है, आज उसके एक एक झूठ को बेनकाब होते हुए आप देखेंगे। मैं तो ऐसे लोगों का नाम लेने में भी अपनी तोहीन मानती हूं, लेकिन इससे पहले मेरे देश भारत को, उसकी आर्मी को और फिर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो मुझे उसे आईना दिखाना पड़ रहा है। इन लोगों ने एक वीडियो डाला है जिसमें यह दावा किया गया है कि मैंने किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका इंटरव्यू करूंगी। तो भैया, झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन सच छिपाए नहीं छिपता। और अब मैं आबिद अली के एक एक झूठ को बेपर्दा करने जा रही हूं। तो वो कहता है मैंने उससे अपना न्यूज ऑर्गेनाइजेशन छिपाया, मैंने उससे अपनी पहचान छिपाई और मैंने उससे ये कहा कि मैं एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंटरव्यू करने जा रही हूं। तो सवाल का जवाब इस चैट में है, इन ऑडियो मैसेजेस में। पहला मैसेज आबिद अली को मैंने 5 जून को किया है, उस दिन मंडे का दिन था। ये मैसेज इस वक्त आप क्लियरली देख पा रहे हैं और इस मैसेज में क्या लिखा है अब वो भी पढ़िए। मैंने लिखा, आबिद, मेरा नाम अदिति त्यागी है, आई एम अ जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया मैंने लिखा नहीं, मैंने इंडिया का ट्राइकलर बनाया। और फिर मैंने क्या लिखा, आपका इंटरव्यू करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो आप इसमें देख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि मैं किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से हूं, किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसमें देख पा रहे हैं आप। मैं ये कहीं कह रही हूं कि मैं किसी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए करने वाली हूं। मैंने क्या कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं। अब आगे ये जो लिंक है, ये लिंक जो वो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मैं एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने कहा कि मैं इंटरव्यू करूंगी, ये जो लिंक है ये कहाँ का लिंक है, अब आपको ये देखना है। ये जो लिंक है ये है आपको इसका, ये लिंक मेरे YouTube चैनल का लिंक है, अदिति त्यागी ऑफिशियल। अदिति त्यागी ऑफिशियल का लिंक मैंने यहां पर आबिद अली को भेजा है और यहां पर आप साफ तौर पर पढ़ भी सकते हैं। अगर जूम इन हम यहां पर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अदिति त्यागी ऑफिशियल youtube.com@AdityTyagiOfficial का लिंक मैंने यहां पर भेजा है। इस पर आबिद अली का जवाब आप देखिए, वो लिखता है ओके। उसके बाद एक ऑडियो फाइल है, वॉइस मैसेज है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। जी आप सबसे पहले उसका जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने वो आपका चैनल चेक किया, आपको मैंने सारा सर्च भी किया है। माशाल्लाह आप तो एक मशहूर हस्ती हैं जी। तो एक्चुअली वो प्रोग्राम करने का तो कोई मसला नहीं है, वो इंशाल्लाह जरूर करूंगा आपके साथ, क्योंकि इस टाइम तो जरा मैं अपनी फैमिली के कुछ एक दो सिलसिलों में हूँ, तो जिस तरह ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपको खुद मैसेज करता हूँ या आप मेरे साथ टाइम कर लीजिए, उसके मुताबिक जो है ना मैं इंशाल्लाह आपके साथ शो करूंगा। तो आबिद अली अब जवाब सुने, मेरा इंडियन टाइम 1:30 सूट करता हूँ, मेरे ख्याल से आपके यहाँ पे 1 PM होगा वो,
अगर वो सूट करता तो कर ले, बिकॉज मैं शाम को ना दरअसल टीवी करती हूँ, तो शाम को मैं बिजी रहती हूँ, यही टाइम होता है जिसमें मैं रिकॉर्ड करके कुछ करती हूँ। अब अगली ऑडियो फाइल, अगला वॉइस मैसेज मैं आपको आबिद अली का बाद में सुनाऊंगी, लेकिन जितना आपने अभी तक मैसेज देखा और आबिद अली का जवाब सुना, तो एक बात तो क्लियर है, आबिद अली को पता था कि मैं एक यूट्यूब चैनल के लिए उसके इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने मेरे जवाब में सुना कि मैं सुबह में इस तरह की रिकॉर्डिंग करती हूँ यूट्यूब के लिए, शाम को मैं टीवी करती हूँ। तो टीवी और यूट्यूब चैनल के मिक्सअप होने की कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं, ये देखते हुए भी कि मैंने आपको दिखाया कि जो लिंक मैंने उस व्यक्ति के साथ शेयर किया वो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, अदिति त्यागी ऑफिशियल का लिंक है, जिसके जवाब में एक बार फिर से सुनिए आबिद अली ने क्या कहा था। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैंने वो आपका चैनल चेक किया, आपको मैंने सारा सर्च भी किया, माशाल्लाह आप तो एक मशहूर हस्ती हैं जी। तो एक्चुअली वो प्रोग्राम करने का तो कोई मसला नहीं है, वो इंशाल्लाह जरूर करूंगा आपके साथ, क्योंकि इस टाइम तो जरा मैं अपनी फैमिली के कुछ एक दो सिलसिलों में हूँ, तो जिस तरह ही मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपको खुद मैसेज करता हूँ, या आप मेरे साथ को टाइम कर लीजिए, उसके मुताबिक जो है ना मैं इंशाल्लाह आपके साथ शो करूंगा। तो ये आपने सुना यहाँ पे, अब एक और ऑडियो फाइल आपको सुननी चाहिए, ये वो आबिद अली है जो ये क्लेम कर रहा है उस यूट्यूबर के साथ इंटरव्यू में कि मैंने तो हाथ पांव जोड़े, मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की, मैं तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई कि मुझे उसका इंटरव्यू करना है। आपको यहां पर हर उस झूठ का जवाब मिल रहा है जो आबिद अली ने मेरे नाम पर मुझे बदनाम करके आपके सामने परोसा है, और तथ्यों को आपके सामने इसीलिए रख रही हूं ताकि आपके सामने सच्चाई आए। अब एक और जवाब सुनिए आबिद अली का, जब मैंने उससे कहा कि मैं टीवी करती हूँ और मेरे लिए ये टाइम वर्क करेगा, अब जवाब सुनिए। मैम जैसे आप कहती हैं वैसे कर लेते हैं, तो आप 1:30 यानी कि हमारा आधे घंटे का फर्क होता है, 1 बजे का टाइम होता है, तो मैं सही तरीके से जो फ्री हो सकता हूँ ना वो 2 बजे होता हूँ मैं, तो अगर आप कहेंगे तो वो तो कोई मसला नहीं है, 1 बजे का भी कर लेंगे, लेकिन अगर हो सके पॉसिबल तो 2 बजे कर लेंगे तो मैं ज़रा रिलैक्स हो जाऊंगा, तो जैसे आप कहती हैं फिर बता दीजिए उस हिसाब से कर लेते हैं। तो देखिए मैं इनके हाथ पांव जोड़ रही थी, ये वो आप सुनिए ध्यान से, अगर आपका मैंने प्रोग्राम देखे हैं तो उसमें मेजर गौरव आर्या साहब जो हैं वो भी आपके साथ काफी काम कर रहे हैं, तो अगर थर्ड मैन शो हो जाए उसमें मेजर साहब भी हों, आप भी हों, मैं भी हूँ, तो उसमें बड़ी प्यारी बातें हो सकती है, मेजर साहब भी बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत सी बातें करते हैं वो, और आप तो बहुत ही अच्छा बोलती है, मैंने अभी चेक की है। एक्चुअली वो चैनल चेक करने का मसला ये था कि वो आजकल ना आपको पता है कि हर बंदा जो है ना इंटरव्यू के लिए कहता है, और उनके चैनल इस किस्म के होते हैं इंतजार पिलाने वाले, तो हम लोग बड़ी कोशिश है, आपने मेरे इंटरव्यू देखे होंगे, हम इंतजार से थोड़ा सा पाक है, हम उन बातों को नहीं करना चाहते कि जिनसे झगड़े होते हैं या कोई ऐसी बातें होती हैं, तो मेजर साहब भी काफी बोलते हैं, आप भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलती हैं, तो जब मैं आप दोनों से बात करूंगा तो मैं पीस की उसमें बात करूंगा, तो वो बड़ा मजे का शो हो जाएगा हमारा ना, तो अगर ऐसा हो जाए तो ये बड़ा पॉपुलर भी होगा। मेजर साहब ना अभी आके गए हैं अबेद, नेक्स्ट टाइम वो आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी, अभी तो उन्होंने मेरे साथ 3 शोज हाल फिलहाल 15 दिन में 3 शोज किए हैं, तो अभी तो वो अभी थोड़ा मैं उनको गैप दूंगी, तो अगले महीने जब वो आते हैं तो तब मैं उनसे इस आइडिया के बारे में पूछूंगी, अभी मैं सिर्फ आप ही का कर लूंगी। तो ये ऑडियो क्लिप सुनने के बाद आपको लगता है कि किसने झूठ बोला है? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको समझ आया होगा कि आबिद अली जब ये बोलता है वो नहीं जानता था मैं कौन हूं, और वो आबिद अली इन वॉइस मैसेजेस में कहता है कि उसने मेरे बारे में रिसर्च की है, उसने मुझे ढूंढा है, उसने मेरे क्लिप्स देखे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर चुका है कि वाह माशाल्लाह मैंने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, और जब वो मेजर गौरव आर्या की बात करता है तो मेजर गौरव आर्या और मेरे बीच सिर्फ एक ही जगह संवाद हुआ है, और वो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, यानी ये वाला चैनल जिसके बारे में मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अदिति त्यागी ऑफिशियल का लिंक मैंने इस व्यक्ति को भेजा है। तो किस तरह से वो झूठ परोस रहा है एक के बाद एक आपके सामने, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके उस झूठ पर आंखें मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये देखने के बाद द सो कॉल्ड पाकिस्तानी आम आदमी उसकी सच्चाई आपको पता चल रही होगी कि वो मुझे जानता था, उसने मेरा चैनल चेक किया था,
उसे पता था ये YouTube चैनल के लिए इंटरव्यू है, उसे पता था मेजर गौरव आर्या मेरे YouTube चैनल पर आए हैं, उसे पता था कि मैं टीवी के लिए नहीं YouTube के लिए इंटरव्यू कर रही हूं, उसे सब कुछ पता था। लेकिन बावजूद उसके उसने मेरे पुराने ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेरे साथ जोड़ा ताकि वो मुनाफा कमा सके, अपना कुछ अपना भला कर सके, अपने लिए व्यूज हासिल कर सके। अब दूसरी बात जो उसने कही, ये आबिद अली के आगे भी मैं आपको इस चैट से जुड़े हुए बहुत सारे प्रूफ दिखाने वाली हूँ जो आबिद अली क्लेम कर रहा है। आबिद अली इस इंटरव्यू में मुझसे दोस्ती की बात करता है और मैं चाहूंगी आप वो इंटरव्यू जरूर चेक करें, मुझसे दोस्ती की बात यहां पर करता है और फिर जाकर उस इंटरव्यू में, वो वीडियो मेरे चैनल पर है आप देख सकते हैं, उस वीडियो में आकर वो पाकिस्तानी फौज के बारे में बोलने से तो उसको हिचकिचाहट होती है लेकिन इंडियन आर्मी के बारे में वो मुझसे सवाल पूछता है कि इंडियन आर्मी कश्मीर में दुपट्टे खींचती है, इंडियन आर्मी रेपिस्ट है। तो कान खोल के सुने आबिद अली और उसके चाहने वाले अदिति त्यागी, उस दिन भी फौज के साथ खड़ी थी अदिति त्यागी, आज भी फौज के साथ खड़ी है और अदिति त्यागी आखिरी दम तक फौज के साथ खड़ी रहेगी। ये व्यक्ति इस वीडियो में बोलता है जो उसने पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ किया है कि अरे मैंने मैडम को फोन करके कहा कि अरे 6000 लोगों ने देखा या 30000 लोगों ने देखा, अगर आपने दोस्ती का पैगाम दिया होता तो ये 200000 से ज्यादा लोगों ने देखा होता। और यही आबिद अली ये भी कहता है कि मैंने पैसों के लिए इसके इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तो आबिद अली, अगर मैं व्यूज के लिए काम कर रही थी, अगर मैं पैसों के लिए काम कर रही थी, फिर तो मुझे फौज के साथ खड़े होने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो मुझे तुमसे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं थी। तुम जो बातें कर रहे हो उससे तो तुम्हारे मुताबिक ही मेरे व्यूज कम हो गए। तो ये कहना कि मैं पैसों के लिए ये सब कर रही थी, आप खुद समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है। और आबिद अली कोई ग्लोबल इकोनॉमी नहीं चला रहा, ये गलत फहमी है उसे, कोई ग्लोबल इकोनॉमी नहीं चला रहा है। अदिति त्यागी 5 या 6 जून को पैदा नहीं हुई है, या इंडिया 5 और 6 जून को ही पैदा नहीं हुआ है कि आबिद अली देश का प्रधानमंत्री है, उसे सुनने के लिए दुनिया आएगी और उससे लोगों के रोजगार चलेंगे। और इतना ही अगर आबिद अली इतना ही सक्षम आदमी है तो अपने यहाँ जो बेरोजगारी है, अपने यहाँ जो भुखमरी है, अपने यहाँ जो गरीबी है उसका इलाज कर ले, उसका इलाज कर ले। अगर वो मुझे पैसे कमवा सकता है तो अपने देश को पैसे कमवाए ना, क्यों कटोरा लेकर उसका देश घूम रहा है। अब तीसरी बात, उसे इस बात पर दिक्कत है, भाई ये कहता है कि मैंने हिंदी में थंबनेल डाल दिया। तो ये मेरा चैनल है और इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं जिसमें छिपाने से बात छिप जाएगी, ये मेरे सारे वीडियोस हैं, मैं अपने सारे थंबनेल हिंदी में ही डालती हूँ। कोई आबिद अली स्पेशल थोड़ी आया कि जिसमें मैंने हिंदी में अपना थंबनेल डाला है, मेरे सारे थंबनेल इस चैनल पे A to Z हिंदी में हैं, मैं सारे थंबनेल हिंदी में डालती हूँ। अब मैं आबिद अली से पूछ के थोड़े ही ना थंबनेल डालूंगी कि मैं हिंदी में डालूं, उर्दू मुझे आती नहीं है और ना ही मुझे उर्दू में लिखने का कोई शौक है, मैं हिंदी में थंबनेल लिखती आई हूं। चौथी बात, आबिद अली कहता है कि मैंने उसके वीडियो में कट लगा दिए, मैं उसके वीडियो में कट लगा दिए। तो आबिद अली, पहली बात तुम्हारे बोल देने भर से तो होगा नहीं, अब दूसरी बात यह है कि वीडियो की जाके जांच करा ले, इंडिया में तो हमारे पास FSL है, पाकिस्तान में मैंने सुना नहीं है। तो ओपन चैलेंज है, पाकिस्तान में जाए जो भी सो कॉल्ड लैब हो उसमें ले जाए और वहां जाके चेक करा ले कि मैंने कहां पर कट लगाया है और प्रूव कर दे कि मैंने यहां पर कट लगाया है। पर आबिद अली ऐसा नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वीडियो में एक भी कट नहीं है, वीडियो को एडिट नहीं किया गया है। तभी तो आबिद अली ने आपसे ये नहीं बताया कि वीडियो में कट कहाँ है, उसकी कौन सी बात को नहीं दिखाया गया, उसकी कौन सी बात को छिपाया गया। तो ये जो आरोप उसका कि मैंने कट लगा दिया वीडियो में, या थंबनेल हिंदी में था, या वो मुझे जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, मैंने झूठ बोला है, ये सारे प्रूफ चीख चीख कर बस एक ही बात कह रहे हैं कि झूठ अगर कोई बोल रहा है इस पूरे मामले में तो वो सिर्फ और सिर्फ आबिद अली है। अब इसके अलावा आबिद अली ये भी क्लेम करता है कि मैंने उससे कहा कि वो मेरा मैं उसका दोबारा से वीडियो करूंगी। आबिद अली को अब ये देखना चाहिए कि आबिद अली ने मुझे से मेरी 2 बार बात हुई ये इंटरव्यू होने के बाद। एक तो ये देखें आप, ये आबिद अली ने सैटरडे के दिन मुझे वीडियो कॉल किया जिसे मैंने वीडियो को ऑफ करके रिसीव किया।
सैटरडे के दिन इसने मुझे कॉल किया, और इसके अलावा संडे को इसने मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेजे। मैं आपको वो चैट दिखाती हूँ जिसमें इसने मुझे सैटरडे को बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे। अब आपके लिए ये देखना जरूरी है, ये 7 जून और ये सारे वो स्क्रीनशॉट्स जो इन्हें सुहाते थे, ये सारे स्क्रीनशॉट भाई ने मुझे भेजे एक एक करके कि देखिए आपको लोग गाली दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है, आपको बुरा नहीं लग रहा है। तो इस पर आबिद अली को मैंने यही जवाब दिया था, अगर कोई मेरी फौज पर सवाल उठाएगा, चाहे कितना ही उसे शुगर कोट कर ले, चाहे कितना ही ये कहने की कोशिश करे कि अरे हमने तो ऐसा सुना है, हमने तो ऐसा देखा है, टीवी में देखा है, मीडिया में देखा है, तो अगर वो इस नाम पर इंडियन आर्मी को टारगेट करने की कोशिश करेगा तो अदिति त्यागी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चिकनी चुपड़ी बातें, ये शहद में डुबोकर बातें करना, ये सब बातें समझ में आती हैं, क्योंकि आपने खुद उस ऑडियो क्लिप में ये सुना कि आबिद अली ये कह रहा है कि मैं तो दोस्ती की बात करना चाहता हूं, जो दोस्ती करने आता है वो इस तरह के सवाल पूछता है क्या कि आपकी फौज ये करती है, क्या आपकी फौज वो करती है। जिसका माइंडसेट दोस्ती का होता है वो आपकी फौज के बारे में ऐसी आके बातें करता है। खुद सोचिए, खुद अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए, उसकी शुगर कोटिंग में मत जाइए कि वो ये कह रहा है कि मैंने ऐसा देखा है सुना है, क्योंकि ये वही आबिद अली है। अपने वीडियो में कहता है कि मैं बहुत इंटरनेट पे तो कुछ छिपता नहीं है, बिल्कुल इंटरनेट पे कुछ नहीं छिपता है। ये आबिद अली नरेंद्र मोदी का फैन बताता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का फैन अपने आप को बताता है। आप इसे पूछती हूँ, पाकिस्तान के मीडिया में क्या नरेंद्र मोदी की तारीफ होती है? प्रधानमंत्री की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं? लेकिन फिर भी ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी को जानता है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री को जानता है, और बार बार आकर नरेंद्र मोदी का फैन दिखाकर खुद को प्रोजेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है आपके सामने। तो जो इंफॉर्मेशन ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इंटरनेट से हासिल कर सकता है, वो इंफॉर्मेशन अपने मीडिया के दुष्प्रचार, जो इसे बचपन से दिखाया गया, सिखाया गया, जैसे इसने शुगर कोट किया है उस इंटरव्यू में, वही इंफॉर्मेशन ये इंडियन आर्मी के बारे में हासिल नहीं कर पाया, वही इंफॉर्मेशन ये कश्मीर के बारे में हासिल नहीं कर पाया, वही इंफॉर्मेशन ये भारत के बारे में हासिल नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा दिमाग पर बोझ डालिए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, और फिर समझिए वो व्यक्ति कहीं आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, खेल तो नहीं रहा है, और आप खेलने तो नहीं दे रहे हैं उसे। और किसी ने लिखा है मुझे कि अरे आबिद अली की जान खतरे में है, तो भैया उसने इंडियन फौज को गाली दी है, पाकिस्तानी फौज को गाली नहीं दी है। वो जो वीडियो में माहौल बनाता ना, धीरे बोलिए, लोग सुन लेंगे, लोग ये कर देंगे, तो भाई आबिद अली इंटरनेट के लिए इंटरव्यू कर रहा है, इंटरनेट पे आता है, क्या वो ये कहना चाह रहा है उसके आसपास की दुकान वालों को नहीं पता वो इंटरनेट पे क्या कह रहा है? पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है कि आबिद अली क्या कहता है इंटरनेट पर आकर? लेकिन फिर भी रहता है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान में रहता है, आप जैसे लोग उसे देखते हैं। तो खुद देखिए ये जो विक्टिम नैरेटिव गढ़ना और उस विक्टिम नैरेटिव से सहानुभूति हासिल करना, ये दोस्ती की पतंगे उड़ाना, फिर आकर भारतीय फौज के बारे में सवाल ठोक देना, खुद से सोचिए क्या जो आप देख रहे हैं वही है या हकीकत कुछ और है? जो व्यक्ति छोटी सी बात के लिए झूठ बोल रहा है कि वो अदिति त्यागी को नहीं जानता था, अदिति त्यागी ने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर झूठ बोला, उसने इंटरव्यू को लेकर झूठ बोला, वो आदमी आपसे किस लेवल का झूठ बोल रहा होगा इसकी कल्पना कभी आपने की है? इसके अलावा एक और झूठ, आबिद अली ने कहा कि उसने मैंने उससे कहा दोबारा इंटरव्यू करेंगे। जब इसने मुझसे बहस करनी शुरू की फोन पर, तो मैंने उससे कहा, बिल्कुल कहा कि हम दोबारा फोन इंटरव्यू करेंगे। अब मैं आपको और चैट दिखाती हूँ, इसमें मैंने इस व्यक्ति को वक्त दिया 1:30 बजे का वक्त दिया मंडे के लिए, साफ देख सकते हैं आप यहाँ पर, उस पर इसका जवाब आया 1:30 बजे का, जब मैंने वक्त दिया तो इसका जवाब ये आया। मैडम 2 बजे तक का कर लीजिए, 2 बजे मैं थोड़ा इजी हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने ना फैक्ट्री जाना होता है सुबह, तो 2 बजे मैं घर पहुंचता हूँ, तो उस टाइम का आप कर लेंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ओके लिखा, लेकिन अगले दिन मुझे काम था, तो सोमवार सुबह मैंने उसे ये मैसेज लिखा, और इस मैसेज में क्लियरली लिखा मुझे टीवी के लिए कुछ शोज करने हैं। आबिद भाई मैं आपको बताऊंगी नया टाइम कि कब करेंगे, एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगी, और इसने लिखा ओके। सोमवार का ये चैट है, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, 9:32 का ये चैट है, और ये व्यक्ति ट्यूजडे को खड़े होकर मुझे बदनाम करना शुरू कर देता है।
अननेसेसरली एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन का नाम ड्रैग कर लेता है। जरा सा आप ही मुझे बताएं, ये देश का प्रधानमंत्री है, ये देश का राष्ट्रपति है, ये देश की फौज से जुड़ा हुआ है कि मुझे सब काम धाम छोड़कर इस व्यक्ति का इंटरव्यू करने बैठ जाना चाहिए था, ये आम आदमी बताता है खुद को। लेकिन इस पर इतना इंतजार नहीं कर पाया ये आम आदमी कि अदिति त्यागी वापस आकर मुझसे जब सवाल करेगी तो मैं तब तक का इंतजार करूं? क्यों भाई, ये रॉक स्टार है, कहीं का सुपर स्टार है, टाइम प्रेस्ड है, क्या इश्यूज था इनका? इनका मसला था, इनका मकसद था सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, मुझे बदनाम करके, इंडिया के एक टीवी चैनल को बदनाम करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, और उन भोले भाले लोगों के जहन में हीरो बनना जो ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मौखिक तारीफ कर देने भर से किसी की लॉयल्टी इंडिया के लिए हो जाती है। क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो खुद इंटरव्यू में ये बात कहता है कि वो मेरे से, अदिति त्यागी मेरे से टेररिस्ट के बारे में पूछ रही थी, मैं क्या जानू हाफिज सईद कौन है? तो हाफिज सईद भारत का गुनहगार है, 26/11 का पपेट्रेटर है। जब आप शांति की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, तो ये सवाल उठेगा, जो भारत के गुनहगार है पाकिस्तान उन्हें कब सौंपेगा? खाली दोस्ती की खाली बातें नहीं होंगी, उन्हें सपोर्ट करना होगा। आतंकी आपके घर में बैठे रहेंगे और आप कहेंगे आप दोस्ती करना चाहते हैं? और इसीलिए मैं कहती हूं, आज सारे साक्ष्य आपके सामने लाकर मेरी कोशिश ये थी कि आप एक झूठे फरेबी प्रधानमंत्री मोदी का फैन होने का आडंबर करने वाले व्यक्ति की हकीकत को जाने समझें। अब फैसला आपकी अदालत में है, ये स्पष्ट करते हुए मेरा आखिरी वीडियो है, मैं इस तरह के लोगों के साथ जाकर इंगेज नहीं होती, क्योंकि ये मेरा स्तर नहीं है, क्योंकि ये एक इंडियन का स्तर नहीं है, ये एक उस इंडियन का स्तर नहीं है जिसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। तो मेरा लास्ट वीडियो है, मैं मुझे और बदनाम करके उस व्यक्ति को और सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है, और आप उसे ऐसा करने देंगे, ये फैसला मैं आपकी अदालत में छोड़ती हूं। इसी के साथ मुझे ये वीडियो क्लोज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप वैसे ही वायरल करेंगे जैसे मुझे बदनाम करने वाले वीडियो को आबिद अली की ट्रोल आर्मी ने किया था। जय हिंद।